फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर फाइनली बीसीसीआई के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दरअसल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बीसीसीआई के पास एक बड़ा ऑफर आया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को ऑफर दिया है कि अगर बीसीसीआई चाहे तो आईपीएल 2020 का सीजन श्रीलंका में करवा सकती है और श्रीलंका में बीसीसीआई को वो सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है जो कि भारत में आईपीएल होने पर मिलती है। हालांकि अब तक बीसीसीआई की तरफ से इस ऑफर का कोई भी रिप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन करंटली तीन बड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने बीसीसीआई को मंजूरी दे दी है और अपनी हां भर दी है कि ये तीनों टीमें श्रीलंका में आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह से एग्री है। तो अब श्रीलंका में आईपीएल होने के काफी हाईली चांसेस बन चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं तीनों टीमों के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिर किन कारणों के चलते हुए करंटली इन तीन टीमों ने आईपीएल की मंजूरी दे दी है श्रीलंका में खेलने के लिए और अब बीसीसीआई कब अपना रिप्लाई देगी इस ऑफर को लेकर। इसके साथ ही अब आईपीएल 2020 का सीजन श्रीलंका में कौन सी तारीख से शुरू होगा, मैं इस वीडियो में आपको इन सब टॉपिक के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जिन तीन टीमों ने IPL 2020 का सीजन श्रीलंका में खेलने के लिए मंजूरी दे दी है, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम को पता है कि बीसीसीआई ने सितंबर तक आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया है और अगर सितंबर के आगे आईपीएल पोस्टपोन हुआ तो आईपीएल 2020 का सीजन पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और आईपीएल कैंसिल होने पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को 200 करोड़ का बड़ा नुकसान होने वाला है और 200 करोड़ का नुकसान होने के बाद ये टीम शायद अगले आईपीएल सीजन में हमें नहीं दिखने वाली है और अगर ये टीम दिखेगी तो किसी नए नाम के साथ, इसके साथ ही किसी नए ओनर के साथ ये टीम आईपीएल में दिखेगी। इस वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम करंटली पूरी तरह से एग्री है श्रीलंका में आईपीएल खेलने के लिए। इसके साथ ही एक और रीजन है, दरअसल श्रीलंका में कुछ इस टाइप के पिचेस मिलते हैं जो कि इंडिया में चेन्नई में मिलते हैं, यानी काफी अधिक स्पिन फ्रेंडली पिचेस श्रीलंका में मिलते हैं जहां पर 150-160 का स्कोर ओवरऑल बनता है। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास सुरेश गोपाल, इसके साथ ही मयंक मार्कंडे, इसके साथ ही जयदेव उनटकर जैसे गेंदबाज है जो कि इन पिचों पर काफी इफेक्टिव होंगे। यही एक कारण है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने करंटली बीसीसीआई को मंजूरी दे दी है और अगर आईपीएल 2020 का सीजन श्रीलंका में होता है तो डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स की टीम को काफी अधिक फायदा होगा जिस प्रकार का स्क्वाड इस टीम का करंटली है। वही इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है पंजाब की टीम का। दरअसल पंजाब की टीम भी उसी सिचुएशन से गुजर रही है जिससे राजस्थान रॉयल्स की टीम फिलहाल गुजर रही है। दरअसल अगर आईपीएल का सीजन कैंसिल होता है तो इस टीम को भी 200 करोड़ का नुकसान होगा और इस टीम को भी शायद अगले आईपीएल सीजन में अपना नाम चेंज करके आईपीएल में खेलना पड़े। इस टीम के ओनर्स भी पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। इसके साथ ही एक और रीजन है, दरअसल इस टीम के पास मुरुगन अश्विन, इसके साथ ही मुजीबुर रहमान, इसके साथ ही रवि बिश्नोई जैसे हाई क्वालिटी स्पिनर्स है जो कि श्रीलंका की पिचेस पर काफी इफेक्टिव होंगे। इस टीम के पास भी वैसा स्क्वाड है जो कि श्रीलंकन स्टेडियम्स में काफी इफेक्टिव हो। यही एक कारण है कि दरअसल पंजाब की टीम ने भी आईपीएल 2020 के सीजन के लिए मंजूरी दे दी है और श्रीलंका में आईपीएल खेलने के लिए ये टीम करंटली पूरी तरह से तैयार है। वही इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर नाम आता है सीएसके की टीम का। दरअसल सीएसके की टीम को श्रीलंका में आईपीएल खेलने से कोई भी समस्या नहीं है। इस टीम के पास हरभजन सिंह, इसके साथ ही रविंद्र जाडेजा, इमरान ताहिर, इसके साथ ही मिचेल सेंटनर, इसके अलावा पीयूष चावला जैसे काफी अधिक स्पिन गेंदबाजी के विकल्प है और इस टीम को वैसे ही पिचेस मिलने वाली है जो पिचेस इस टीम को चेन्नई में मिलती है। अगर आईपीएल 2020 का सीजन श्रीलंका में होता है तो सबसे अधिक फायदा सीएसके की टीम को होगा। ये सब कुछ देखकर करंटली सीएसके की तरफ से भी आईपीएल 2020 के सीजन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही एमएस धोनी और शेन वॉटसन जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए आईपीएल 2020 का सीजन खेलना काफी अधिक जरूरी है। ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए करंटली सीएसके की टीम ने भी श्रीलंका में आईपीएल खेलने के लिए अपनी तरफ से परमिशन दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब करंटली बीसीसीआई के जवाब का इंतजार है। हो सकता है 3 मई को बीसीसीआई और सारी 8 आईपीएल फ्रेंचाइजियों की मीटिंग हो, इसके बाद ये डिसाइड होगा कि इस बार श्रीलंका में आईपीएल होना चाहिए या फिर नहीं। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आईपीएल 2020 का सीजन श्रीलंका में होना चाहिए या फिर नहीं और अगर श्रीलंका में आईपीएल होगा तो कौन सी टीम को सबसे अधिक फायदा होगा। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।